अब बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी की। रफ़ी साहब के संघर्ष के दिनों में उनकी मदद की थी उस जमाने के बहुत बड़े गायक जीएम दुर्रानी ने। ये वो वक्त था जब दुर्रानी साहब और सहगल साहब जैसे कुछ ही गायक इंडस्ट्री में डिमांड में थे, और ऐसे समय में एक नया सिंगर मोहम्मद रफ़ी अपने लिए फिल्म इंडस्ट्री में ज़मीन तलाश करने की कोशिश कर रहा था। तब दुर्रानी साहब एक मसीहा बनकर सामने आए और काम दिलवाने में बहुत मदद की। दुर्रानी साहब जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे भले इंसान भी थे, और यही कारण था कि सेम फील्ड में काम ढूंढ रहे रफ़ी को वो संगीतकार श्याम सुंदर के पास ले गए और उनसे रफ़ी की सिफारिश करते हुए फिल्म गांव की गोरी में एक कोरस गाने में मौका दिलवाया। इस सिफारिश और दुर्रानी साहब की मदद का ही नतीजा था कि रफ़ी साहब को थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा, और फिर अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर मोहम्मद रफ़ी बन गए हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार। जब रफ़ी स्टार बन गए तो एक ऐसा समय आया कि दुर्रानी साहब का करियर धीरे धीरे ढलान पर आ गया। काम कम हो गया, काम नहीं मिलने की वजह से इनकम कम हो गई, और घर में धीरे धीरे मुफलिसी आने लगी। जब रफ़ी साहब को यह पता चला तो उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए दुर्रानी साहब की हर संभव मदद करने का फैसला लिया, और संगीतकार नैयर साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो 1956 में आई फिल्म हम सब चोर हैं के गाने में रफ़ी साहब के साथ दुर्रानी साहब को भी गाना गवाएं। नैयर साहब ने बात मान ली और दुर्रानी साहब और रफ़ी साहब ने ही ये गाना गाया। फिल्म हम सब चोर हैं, ये गीत हमको हंसते देख जमाना जलता है। इस गीत के अलावा भी रफ़ी साहब ने कुछ और संगीतकारों से कहकर दुर्रानी साहब को गाने दिलवाए, और दोनों ने एक साथ कुल 6 डुएट गाने और कुछ गाने कॉरस में भी गाए। इस तरह आगे चलकर भी दोनों ने एक साथ कुल 6 डुएट गाए और कुछ गाने कोरस में भी गाए। इस तरह आगे चलकर भी नेक दिली का रफ़ी साहब को जब भी मौका मिला तो उन्होंने इस मौके को नहीं गवाया, और सारी जिंदगी भर जहां पर भी उन्हें लगा वो हमेशा दूसरों के काम आए। क्यों गीतकार गुलजार ने अपने पिता की मृत्यु के 5 साल बाद की अंतिम क्रिया, ये बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।